ब्राह तो रास्त कलर सईदा लिए चलेंगे जहां पर मरियम नवाज इस वक्त जलसे से जलसेब करेंगे साहब, हनीफ अबासी साहब, दानियाल तनवीर साहब शौकत जंजुआ साहब और राजा जावेद इकबाल साहब कलर के मेरे शेरों शरीफ साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम याद छोड़ दो आप सबको मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम तुसानी बहन तुसानी बेटी तो कॉल आई है मिकी पता है तुसी इन्शाला। इन्शाला। मैं अभी जब इस्लामाबाद से आ रही थी जब मैं इस हलके में एंटर हुई तो मुझे पता लग गया कि अल्लाह ताला के फजलो क़रम से राजा सगीर साहब जीत चुके हैं जिस तरह कदम कदम पे इस हल्के वालों ने निकलकर मेरा इस्तकबाल किया, जो जोश और जज्बा में देख कर आई हूँ और जिस तरह ये सब छतों पर खड़े कोई छत पर एक इंच भी जमीन खाली नहीं है आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया राजा सगीर साहब के बारे में मुझे पता चला कि जब उन्होंने मुस्लिम लीग नून का साथ देने का फैसला किया तो 18 करोड़ रुपया लेकर लोग इनके पीछे पीछे फिरते रहे आगे आगे भागते रहे इन्होंने कहा कि पैसा नहीं लूंगा बस शेर के साथ आऊंगा तो और मैंने अभी ये भी सुना मुझे कहते हैं ये मेरे साथ खड़े थे मैं ये सोच रही थी कि ये दुनिया इनसे इतना टूटकर प्यार क्यों करती है तो मुझे कहते हैं कि यहां जितने भी लोग आए मैं सबको जानता हूं सबके घरों को जानता हूं सबके नामों को भी जानता हूं और कलर वालों कहूटा वालों मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से खुशखबरी से बात शुरू करते हैं मुश्किल फैसले जो करने पड़े किए दिल पर पत्थर रखकर किए जो बारूदी सरुंगे फितना खान पाकिस्तान में बिछा कर गया था मुस्लिम लीग नून ने अपनी जान हथेली पर रख कर एक एक बारूदी सुरंग को अपने हाथ से हटाया है और वो बारूदी सुरुंगे हटाकर पाकिस्तान को बचाया है अब मुश्किल दौर खत्म इन अच्छी से अच्छी खबरें लेकर आएंगे पाकिस्तान की आवाम के लिए और आज शाम को वजीर आजम पाकिस्तान आपका खादम आजम शहबाज शरीफ आपसे खिताब करेगा और डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान करेगा देट, देट। वो जो फितना खान था जो आज कह रहे हैं शहबाज शरीफ तेल की कीमत कम करो ना हो भाई तुम्हारा तेल की कीमतें कम करने से क्या लेना देना चार साल तुम तेल की पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ाते रहे अवाम पर क्यामतें तोड़ते रहे अब तुम्हारी फिकर खत्म अब ये अवाम हमारी जिम्मेदारी है वो जो कहते थे वो जो कहते थे कि हम आलू प्याज के रेट पता नहीं करने नहीं आए आज कल अपनी तकरीरों में धनिया और पुदीने के रेट भी बताता है कल रात को जो सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आया वो सुना सुना सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने फितना खान की झूठी सियासत को उड़ा कर रख दिया पाकिस्तान के पचहत्तर छिहत्तर साल में पाकिस्तान की तारीख में ये पहला सियासतदान है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये झूठा भी है और आइन शिकन भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज ने कहा कि ये पाकिस्तान का आइन तोड़ने का मुर्त के हुआ तुम तो मुबारक हो इमरान खान तुम पाकिस्तान के पहले सियासतदान हो जिसने डिक्टेटर्स को भी मात कर दिया और मैं ये हुकूमत पाकिस्तान से कहती हूं कि यहां पर बात खत्म नहीं करनी पाकिस्तान के मुकदस आइन को तोड़ने वालों पर आर्टिकल सिक्स लगना चाहिए इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए इन्होंने पाकिस्तान के आइन को अपने पांव तले रोंदा है इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि फिर किसी को पाकिस्तान की आहिं की तरफ मैली आंख से देखने की ज़रूरत ना हो सुप्रीम कोर्ट ने इसके साजिश वाले बयानिये को भी उड़ा के रख दिया ये आप लोगों से झूठ बोला इसने कौन से झूठ बोला पाकिस्तान से झूठ बोला कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश कर दी सुप्रीम कोर्ट ने लिखा एक जज ने लिखा इसने साजिश का कोई सबूत नहीं दिया तो मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत सबूत होता तो देता ना, वरना साजिश का सबूत पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बेहतर जगह कौन सी है इसने सोचा सुप्रीम कोर्ट भी शायद कोई जलसा है जहाँ खड़ा होकर झूठ बोल देगा इल्जाम लगा देगा बोहतान लगा देगा गालियां निकाल देगा इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं चलता वहां सबूत देना पड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इमरान खान के साजिशी बयान को तबाह नहीं किया आइन शिकनों को नहीं पहचाना बल्कि उन्होंने उस साके निसार सार के झूठे सादिक और अमीन की दजिया उड़ा के रख दी ये फितना खान पाकिस्तान का पहला बदकिस्मत सियासतदान है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसने झूठ बोला और इसने आइन तोड़ा ये बदकिस्मती भी इमरान खान के नसीब में लिखी थी मैं और फिर अब ये रोना शुरू हो गया कि धांधली हो रही है धांधली हो रही है मैं जो शख्स अपनी हुकूमत होते हुए सेम पेज होते हुए मुस्लिम लीग नून से सारे जिमनी इलेक्शन हार गया वो कहता है कि धांधली हो रही है इमरान खान साहब अगर आपको पता नहीं है कि धांधली क्या होती है तो मरियम नवाज शरीफ आपको याद करा देती है कि धांधली क्या होती है वैसे आपसे ज्यादा कौन जानता है धांधली क्या होती है क्योंकि आप तो धांधली के मोजद हैं धांधली के बानी है लेकिन फिर भी याद दहानी के लिए बता दू धांधली वो होती है कि इलेक्शन से पहले जमात के सरबरा कोई करके जेल में बंद कर दो नवाज शरीफ को डिसक्वालीफाई कर कर जेल में बंद किया इमरान खान तुम तो दन दनाते फिर रहे हो सरे आम सारे हलकों में तुम्हें किसी ने जेल में बंद किया धांधली वो होती है कि बाप का साथ देने के जुर्म में बेटी को उठा के जेल में फेंक दो तुम्हारे बच्चे तो आराम से लंदन की हवाओं में बैठे हैं। धांधली तो वो होती है कि नवाज शरीफ की और मरियम की तकरीरों पर टीवी पर बैन लगा दो तुम तो रोज दिन में तीन तीन दफा आकर कौन का मगज खाते हो धांधली वो होती है के दबाव डालकर थप्पड़ मारकर एम पी के जो नवाज शरीफ के कैंडिडेट थे या तो उनको नाहल कराया धांधली से या फिर उनको कहा कि चुप करके मुस्लिम लीग नून की टिकट वापस कर दो वरना छोड़ेंगे नहीं फितना खान तुम्हारे सारे कैंडिडेट्स मैदान में, में हैं मुस्लिम लीग नून ने किसी को साजिश के जरिए बाहर नहीं किया तो डरते क्या हो, आओ मैदान में, में मुकाबला करो शेर कहता है मिस्टर एक्स बैठा है धांधली कर रहा है मिस्टर वाई बैठा है धांधली कर रहा है एबीसी शुरू भी करता है तो एक्स वाई जेड से करता है इमरान खान साहब एबीसी पढ़ानी है तो मैं पढ़ाऊबी सी शुरू होती है एबीसी में जी भी आता है पी भी आता है आई भी आता है जी से गोगी होता है पी से पिंकी पीरनी होता है और आई से इब्राहिम मानिका पिंकी पीरनी का बेटा जो अरबपति है वो होता है और मिस्टर एक्स उन सब का सरगना इमरान खान होता है अपनी एबीसी तो ठीक कर लो मैं कल कह रहा था कल अपनी स्पीच में कहता है कि मैं मोटरवे से उतरा तो मुझे नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आई जो लंदन चला गया है तुम्हें तो नवाज शरीफ की तस्वीर अब हर जगह नजर आएगी लोगों के दिलों में भी नजर आएगी लोगों के घरों में भी नजर आएगी और जब तुम ये बात कर रहे थे कि मैं मोटरवे से उतरा तो नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आई तो मैं ये याद करा दूँ कि जिस मोटरवे से तुम तो उतरे वो मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाया था मरियम नवाज शरीफ आपकी बहन और बेटी आपसे वादा करती है कि आप शेर पर मोहर लगाओ जब तक आपकी जिंदगियों में बहारे वापस नहीं आ जाती नवाज शरीफ आराम से नहीं बैठेगा शहबाज शरीफ आराम से नहीं बैठेगा आराम से नहीं बैठेगा मरियम नवाज शरीफ आराम से नहीं बैठेगी जीवे मैं अभी शेख कुदूस साहब के घर गई थी जो मुस्लिम लीग नून के जलसे में जब मुस्लिम लीग नून की कैंपेन चला रहे थे वहां उनको दिल का दौरा पड़ा और वो वफात पा गए जिस जमात के पास मुझे उनकी वाइफ ने अभी बताया कि उनको डॉक्टर्स ने मना किया था कि आप दिल के मरीज हैं तो आप ये कैंपेन वगैरह ये मुशक्कत ना करें उन्होंने कहा कि नहीं जमात को इस वक्त मेरी जरूरत है मैं ये कैंपेन करूंगा उसमें उनकी शहादत हो गई तो जिस जमात के पास शेख कुदूस जैसे वर्कर्स मौजूद हैं उस जमात को इंशाला आंच नहीं आ सकती जिस जमात के पास आप जैसी मोहब्बत करने वाले लोग हैं उस जमात को इनशाला आंच नहीं आएगी तो इस पंजाब दुश्मन इमरान खान को पाकिस्तान के दुश्मन इमरान खान को तरक्की के दुश्मन इमरान खान को जी गोगी पैक गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने वाले को जिसने पंजाब का खून चूसा उसको उठाओ और पंजाब की सरहदों से बाहर फेंक दो तो शाह मुझे बता दो अभी मैं खुशाब जा रही हूँ यहाँ से खुशाब है मेरा जलसा इधर से सीधी मैं खुशाब के लिए निकलूंगी तो कलर वालों मुझे एक दफा बता दो कि सत्रह जुलाई को पीपी -पी सेवन में कौन धाड़ेगा बोलो भी। चलो कहूटा भी कह देती हूँ कहूटा तो मेरे दिल में एक दफा मैं कश्मीर जा रही थी कहूटा ने जिस तरह मेरा इस्तकबाल किया मैं कभी नहीं भूल सकती जमीयतलमाय इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी नुमाइंदगी मेरी बहन महरीन कर रही है मैं तहे दिल से उनकी शुक्र गुजार हूं। तो फिर सत्रह जुलाई को आप घरों में कोई नहीं बैठेगा ना किस पर मोहर लगानी है बोलो इंशाल्लाह पीपी सेवन जिंदाबाद राजा सगीर जिंदाबाद शाहिद खाकान बासी जिंदाबाद अब मेरे साथ मिलके नारा लगाना शहबाज शरीफ और लंदन तक आवाज जानी चाहिए नवाज शरीफ और दरो दीवार हिलने चाहिए जो छतों पर लोग खड़े हैं नारा लगा दो पाकिस्तान अल्लाह ताला तब का हामियों नासिर हो मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार सलाम और दुआएं अल्लाह हाफिज